नमस्कार, मैं हूँ सलोनी शर्मा और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज एंटरटेनमेंट। चलिए चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की ओर। आज आपको बॉलीवुड के काफी मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर का यह वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में जैमी करीना कपूर की मिमिक्री करती नजर आ रही है। धड़ाके से यह वीडियो उनकी बहुत वायरल भी हो रही है, आइए देखते हैं। बॉलीवुड के काफी मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर ने इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट से धमाल मचाया हुआ है। कभी कॉमेडी वीडियो तो कभी डांस वीडियो के जरिए जैमी लीवर फैंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। हाल ही में उन्होंने फिर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने करीना कपूर जैसा एक्सप्रेशन दिया है। जैमी इस वीडियो में जिम जाते हुए नजर आ रही है। रास्ते में चलते चलते करीना कपूर के सॉन्ग बेबो मैं बेबो पर करीना कपूर के ही तरह बिल्कुल एक्सप्रेशन दे रही है। इनके इस वीडियो पर इनके फैंस खूब पॉजिटिव रिएक्शन भी दे रहे हैं। जैमी लीवर ने इस वीडियो को अपने ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर करते हुए लिखा है, बाय गॉड यह बेबो ही है। इस वीडियो को अब तक हजारों व्यूज मिल चुके हैं। आपको बता दें कि जैमी लीवर अपनी कॉमेडी के साथ साथ डांस में जलवा बिखेरने के लिए भी सोशल मीडिया पर जानी जाती है। अपने YouTube चैनल पर डांस वीडियोस को पोस्ट करके खूब सुर्खियां भी बटोर लेती हैं। हाल ही में जैमी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चिलम्मा सॉन्ग पर जैमी कमर मटकाती नजर आ रही थी। इस गाने में वह अपने डांस पार्टनर के साथ जोरदार डांस कर रही हैं। इससे पहले भी जैमी लीवर ने कई बार बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां जैसे सोनम कपूर, कंगना रनौत, करीना कपूर और फराह खान की मिमिक्री करके अपने फैंस को खूब मनोरंजित किया है। और यही नहीं, जैमी ने अपने पिता जॉनी लीवर की भी बहुत उम्दा मिमिक्री कर लेती हैं। जैमी ने इससे पहले भी अपने पिता जॉनी लीवर के संग कॉमेडी वीडियोस बनाए हैं। बता दें कि जैमी लीवर ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ की थी। इन्होंने बॉलीवुड में किस किस से प्यार करूं और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों में भी काम किया है। जैमी लीवर सोशल मीडिया पर खास तौर से एक्टिव रहती हैं और अपने नए नए वीडियोस के साथ अपने फैंस का और भी मनोरंजन करती रहती हैं। रोजाना एंटरटेनमेंट की अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एनएन न्यूज एंटरटेनमेंट।